हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। एट्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, श्यामा बोट 5 kg 300 ग्राम एप्पल्स एंड 3 kg 250 ग्राम मैंगोज। यानी श्यामा ने 5 kg 300 ग्राम तो एप्पल्स खरीदे हैं और 3 kg 250 ग्राम मैंगोज खरीदे हैं। और इसके बाद हमसे कहा गया है, सरला बोट 4 kg 800 ग्राम ऑरेंजेस एंड 4 kg 150 ग्राम बनानास। यानी सरला ने 4 kg 800 ग्राम तो ऑरेंजेस खरीदे हैं और 4 kg 150 ग्राम बनानास खरीदे हैं। हु बोट मोर फ्रूट्स। और फाइनली हमें यह बताना है स्टूडेंट्स कि ज्यादा फ्रूट किसने खरीदा है, श्यामा ने या सरला ने। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि श्यामा ने कितना फ्रूट खरीदा। तो यहां पर हमने लिखा है, फ्रूट्स बोट बाय श्यामा इज इक्वल टू 5 kg 300 ग्राम प्लस 3 kg 250 ग्राम। क्योंकि यहां पर हमसे कहा गया था स्टूडेंट्स कि श्यामा ने 5 kg 300 ग्राम तो एप्पल्स खरीदे हैं, तो वो हमने यहां पर लिख दिया वेट और उसमें ऐड कर दिया। उसके बाद जो हमसे कहा गया था कि श्यामा ने 3 kg 250 ग्राम मैंगोस खरीदे हैं, तो वो वेट यहां पर हमने लिख दिया है। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। अब यहां पर आपने याद रखना है स्टूडेंट्स कि यहां पर देखिए, ये पार्ट 5 kg है और यहां पर ये वाला पार्ट 3 kg है, तो इनकी यूनिट सेम है, तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। तो 5 + 3 8 kg हम यहां पर लिखेंगे, और 300 ग्राम और 250 ग्राम इन दोनों को भी हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये सेम यूनिट में है। तो 300 + 250 होता है 550, तो यहां आ जाएगा 550 ग्राम। लेकिन अभी तक भी ये दोनों सेम यूनिट में नहीं है। इस नंबर का जो ये वेट है, इसका एक पार्ट केजी में है और एक पार्ट ग्राम में है, तो अब हमें इस ग्राम वाले पार्ट को भी चेंज करना है किलोग्राम में। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी आप ग्राम को चेंज करेंगे किलोग्राम में, तो जितने ग्राम को आपने चेंज करना है किलोग्राम में, आप उस नंबर को 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर हमने देखिए 550 को डिवाइड किया है 1000 से। अब ये 550 ग्राम चेंज हो गया है केजी यानी किलोग्राम में। अब हम इसको ऐड कर सकते हैं 8 के साथ, क्योंकि अब ये दोनों ही केजी में आ गए हैं। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें 550 को पहले डिवाइड करना है 1000 से, तो ये हम कैसे करेंगे। अब यहां पर डिनोमिनेटर में 3 0 है स्टूडेंट्स, तो हम ये 3 0 यहां से हटा देंगे और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहां पर है। न्यूमरेटर में लिखा है 550, तो जब कहीं डेसिमल नजर ना आए तो मतलब डेसिमल यहां एंड में होता है। तो जब हम डिनोमिनेटर से 3 0 हटाएंगे, तो ये डेसिमल जो यहां पर है, यहां से 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो पहले वो 0 को क्रॉस करेगा, फिर इस 5 को और फिर इस 5 को, और इन 3 डिजिट्स को क्रॉस करके वो यहां पर आ जाएगा। तो देखिए 0 5 5, और उसके बाद डेसिमल अब यहां पर आ गया, और डेसिमल के लेफ्ट में हम ये 0 लिख कर दिखा सकते हैं। इस 0 से हमारे नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सिर्फ लिखने का एक तरीका है। अब देखिए फाइनली हमें क्या मिल गया है, 8 + 0.550 kg। अब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे। तो यहां पर देखिए जो 8 है, इसको हमने इस तरीके से लिख दिया है 8.000, 8.000 और 8 एक ही बात होती है। अगर आप किसी नंबर के एंड में डेसिमल लगाए और उसके बाद कितनी भी जीरो लगा ले, इससे नंबर की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसमें हम ऐड करेंगे 0.550 को। तो जब हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, तो इस डेसिमल के नीचे यहां पर हमने ये डेसिमल लगाया जो ये था, डेसिमल के राइट में 550 है, तो यहाँ डेसिमल के राइट में हमने 550 लिखा, डेसिमल के लेफ्ट में ये 0 है, तो डेसिमल के लेफ्ट में ये 0 लिखा। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 0 + 0 0 होता है, तो यहाँ 0 आ गया, 0 + 5 5 होता है, तो यहाँ 5 आ गया, 0 + 5 5 होता है, तो यहाँ पर भी 5 आ गया, ये डेसिमल एज इट इज आ गया, और 8 + 0 8 होता है, तो यहाँ पर 8 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स कि श्यामा ने जो फ्रूट्स खरीदे थे, अब हमें उनका वेट केजी में मिल गया है 8.550 kg। अब हम चेक करेंगे कि सरला ने जो फ्रूट खरीदे हैं, टोटल उनका वेट कितना है। तो यहां पर हमने लिखा है स्टूडेंट्स, फ्रूट्स बोट बाय सरला इज इक्वल टू 4 kg 800 ग्राम। देखिए हमसे कहा गया था क्वेश्चन में कि सरला ने 4 kg 800 ग्राम ऑरेंजेस खरीदे हैं, तो वो वेट हमने यहां पर लिख दिया। और उसके बाद हमसे ये कहा गया था कि सरला ने 4 kg 150 ग्राम बनानास खरीदे हैं, तो वो वेट हमने इस वेट के साथ यहां पर ऐड कर दिया है। अब इन दोनों ही वेट्स में देखिए स्टूडेंट्स,
ये वाले पार्ट केजी में है, तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि इनकी यूनिट सेम है। 4 + 4 8 होता है, तो यहाँ पर आ गया 8 kg। और 800 ग्राम और 150 ग्राम को भी हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों की यूनिट भी सेम है। तो 800 + 150 होता है 950, तो यहाँ पर आ जाएगा 950 ग्राम। अभी भी ये पूरी तरह से केजी में नहीं है, तो ये वाला जो पार्ट है इसे हम केजी यानी किलोग्राम में चेंज करेंगे। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी आप ग्राम को चेंज करेंगे केजी यानी किलोग्राम में, तो जितने ग्राम को आपको चेंज करना है किलोग्राम में, आप उस नंबर को 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये नंबर चेंज हो जाएगा ग्राम से किलोग्राम में। तो यहाँ पर हमने 950 को डिवाइड किया है 1000 से। अब हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये वाला पार्ट भी केजी में है और ये वाला पार्ट भी अब केजी में आ गया है। अब हमें 950 को डिवाइड करना है पहले 1000 से। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखिए 3 0 है, तो ये 3 0 हम डिनोमिनेटर से हटा देंगे और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में जो डेसिमल है वो कहाँ पर है। देखिए न्यूमरेटर में लिखा है 950, तो जब कहीं डेसिमल नजर ना आए तो डेसिमल यहाँ एंड में होता है। तो अगर हम डिनोमिनेटर से 3 0 हटा रहे हैं तो डेसिमल यहाँ से 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 059, ये तो यहाँ पर एज इट इज आ गया, और जो डेसिमल यहाँ पर था वो यहाँ से ये 3 डिजिट क्रॉस करके यहाँ आ जाएगा, और हम इस डेसिमल के लेफ्ट में ये 0 लगा सकते हैं। अब हम 8 और 0.950 को ऐड कर देंगे, तो इस 8 को यहाँ पर हमने लिखा 8.000 और इसमें ऐड कर दिया इस 0.950 को, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा और डेसिमल के राइट में जो 950 था वो डेसिमल के राइट में लिखा, डेसिमल के लेफ्ट में जो 0 है वो डेसिमल के लेफ्ट में यहाँ आ गई। अब देखिए स्टूडेंट्स 0 + 0 0 होता है, तो यहाँ पर 0 आ गया। 0 + 5 5 होता है, तो यहाँ पर 5 आया। 0 + 9 9 होता है, तो यहाँ पर 9 आ गया। डेसिमल यहाँ पर एज इट इज है, और 8 + 0 8 होता है, तो यहाँ पर 8 आ गया। तो सरला ने जो फ्रूट खरीदे हैं उनका टोटल वेट आ गया है 8.950 kg, यानी कि 8.950 किलोग्राम। अब सरला ने जो फ्रूट्स खरीदे हैं उनका टोटल वेट हमने यहाँ पर लिख दिया है 8.950, और श्यामा ने जो फ्रूट्स खरीदे थे उसका टोटल वेट हमने यहाँ लिख दिया है 8.550। अब हमें कंपेयर करना है स्टूडेंट्स के इनमें से ज्यादा वेट कौन सा है। तो डेसिमल वाले नंबर्स को हम कैसे कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहले हम डेसिमल के लेफ्ट वाले डिजिट्स को कंपेयर करेंगे। डेसिमल के लेफ्ट में यहाँ 8 है और यहाँ भी डेसिमल के लेफ्ट में 8 है, तो ये दोनों डिजिट्स तो इक्वल हैं। तो अब हम डेसिमल के राइट में आएंगे। डेसिमल के राइट में जो पहली डिजिट है वो है 9, और यहाँ पर डेसिमल के राइट में जो पहली डिजिट है वो है 5, और हम देख सकते हैं कि 9 5 से बड़ा है। तो अब हमें आगे के डिजिट्स को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेसिमल के राइट में जो यहाँ पर पहली डिजिट है 9, वो यहाँ पर डेसिमल के राइट में जो पहली डिजिट है 5, ये 9 इस 5 से बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि 8.950 इज ग्रेटर देन, तो हमने ग्रेटर देन का सिंबल इस तरफ लगाया है, ग्रेटर है किससे? 8.550 से। तो ये वाला जो वेट है जो सरला ने फ्रूट खरीदे थे ये ज्यादा है इस वेट से जो कि श्यामा ने खरीदे थे। तो हम फाइनली कह सकते हैं कि सरला बोट मोर फ्रूट्स, कि सरला ने ज्यादा फ्रूट्स खरीदे हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।